इसी का नाम है कि इस एपिसोड में शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी मुख्तसर सी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद कहानी को साकार होता हुआ देखेंगे। बंगाल में एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल खानदान में एक बड़ी प्यारी खूबसूरत लड़की का जन्म हुआ। स्कूल गई बच्ची, कॉलेज में पढ़ने लगी वगैरह वगैरह वगैरह। एक बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर ने, जो दुनिया भर में जाने जानते थे और जिनकी बड़ी इज्जत थी, उस लड़की को देखा। उन्होंने उसे अपनी फिल्म में काम दिया। फिल्म भी कामयाब हुई, लड़की भी बहुत पसंद की गई। लोगों ने कहा बेहद खूबसूरत चेहरा है, टैलेंटेड लड़की है। उस डायरेक्टर ने सोचा एक और बार कोशिश कर लें। फिर कोशिश की, होते 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 जो है बम्बई के, और तब बम्बई ही था, एक मशहूर फिल्म मेकर ने उस लड़की को देखा। वो लड़की को बम्बई ले आए, बम्बई की फिल्मों का करियर शुरू हुआ और गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई उस लड़की को। होते 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 उस लड़की की ज़िंदगी में एक राजकुमार आया था, और राजकुमार ने उसको देखा, लड़की ने राजकुमार को देखा। दोनों को एक दूसरे से बेहद लगाव हो गया, मोहब्बत हो गई, उनकी शादी हो गई, ज़िंदगी चलती रही। और मैंने कहा था ना, कहानी जो है उसको साकार करेंगे, साकार करते हैं, लेकिन पहले इस पर्दे को देखते हैं। One of the most beautiful and most intelligent women that I've ever seen. Someone who could take criticism very dispassionately. बहुत सहजता से, बहुत सादगी से सबसे मिलना जुलना, ये उनके चरित्र की एक खासियत है। He's such a terrific friend. कहानी का साकार रूप भी आने वाला है, लेकिन हमारे एपिसोड की एक बहुत अहम पर्सनालिटी सोनाली जी। जी नमस्कार। कई सितारे ऐसे होते हैं जो कभी ओझल नहीं होते, जिनकी चमक कम हो ही नहीं सकती। ऐसा क्यों है, उनमें खास क्या है, ये आपको बताएंगे इस कमरे में मौजूद कुछ खास लोग। फारूक जी, हमें मेहमान से मिला दीजिए। सोनाली जी, आपका हुक्म सर आंखों पर, और उस कहानी की नायिका को भी है, दावत देता हूँ कि स्टेज पर आएँ, इस कहानी को, इस परियों की सी कहानी को साकार करें। प्लीज तशरीफ लाएं शर्मिला जी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुकने मत रानी कब आएगी तू। प्लीज तशरीफ शर्मिला जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहसियत फिल्म आर्टिस्ट के, बहैसियत एक सोशल सेलिब्रिटी के, बहैसियत और ये उतने लोग नहीं जानते जितना के लोगों को जानना चाहिए, जितने लोगों को जानना चाहिए कि बहुत बहुत सीरियस किस्म की एक्टिविस्ट भी हैं शर्मिला जी। ये सारी बातें करते हैं, लेकिन पहले आपकी ज़िंदगी की हल्की सी झलक इस पर्दे पे देखते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया। जिसने भी गाना लिखा, हसरत साहब ने, शैलेंद्र साहब ने, आपको देख के लिखा ऐसा लगता है। शर्मिला जी, आप जब आप when you look back at this part of your career,
अब आपको कैसा लगता है जब आप ये सब इमेजेस देखती हैं? फारूक, इट लुक इट फील्स वेरी गुड बिकॉज़ इट फील्स लाइक सीइंग समबडी एल्स एंड इट फील्स लाइक यू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स व्हाट यू शोड मी इन कश्मीर की कली, नो मेकअप एंड माय शॉट फ्रॉम अबू संसार, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म. आपकी जिंदगी की या आपकी करियर की कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप चाहेंगे कि यार ये रीप्ले जब करूं तो मैं ये कम कर दूं, ज्यादा कर दूं, निकाल दूं या बढ़ा दूं? I know, but I don't think you can do it like that, Farooq. But what would you do if you could do it like that? I think I would end up doing the same, perhaps. You know, maybe as my children say, the hairstyle is awful. You know, it's so high and so hideous. But maybe I could do something about that. Maybe a little more makeup savvy, like today's people, today's young artists. Sharmila ji, आप देखा कि ज़्यादातर वैसे ही रहेगा जैसा कि उसमें है. मुमकिन है एक आध दो चीज़ आप सफर तब्दील भी करना चाहें. एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूँ जिनका हिस्सा आप बिल्कुल तब्दील नहीं करना चाहेंगे. मैं बुलाता हूँ उनको. प्लीज़ तशरीफ़ लाएं. बहुत शुक्रिया मंसूर साहब तशरीफ लाए. ये पूछना लाजमी है कि सबसे पहले आपने शर्मिला जी को कहाँ देखा था? बिल्कुल पहले देखो ख्वाब में तो नहीं देखा था. अफसोस अफसोस. लेकिन पहले दफे मेरे ख्याल से सन 64 में सन 65 में जब हम लोग कलकत्ते में क्रिकेट खेलते थे तो ऐसी सरसरी मुलाकात हुई थी. कैसे हुई? मतलब आप मेरे ख्याल से किसी दोस्त के घर में. एब्सोल्यूट याद नहीं आ रहा लेकिन आई थिंक ड्यूरिंग मीटिंग मे बी एट अ फ्रेंड्स हाउस. लेकिन इससे पहले आपने इनकी कोई फिल्में देखी थी, तस्वीरें देखी थी? नहीं, उनके बाद देखी, उसके बाद देखी, उससे पहले उसके बाद तो लाजमी हो गया ना देखेंगे तो जाएंगे कहां? जी हां एग्जैक्टली. व्हिच वन? आई टेल यू बच्चों सब के ऐसे कॉल खोलने वाले नहीं. देखिए मैंने देखी फ्रॉम रे टू शक्ति सामंत टू बासु भट्टाचार्य, फ्रॉम देवी टू इवनिंग इन पेरिस टू मौसम का. सारी देखी. और शर्मिल जी आपने भी जब इनको देखा तो जाहिर है उसी पार्टी में देखा होगा, उसी दोस्त के घर, तो आपको कैसा लगा? मतलब ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ पीपल मस्ट बी क्राउडिंग अराउंड यू एंड यू बीइंग द बिग स्टार एंड ऑल दैट एंड सडनली दिस वेरी स्लिम हैंडसम डैशिंग फेमस क्रिकेटर वॉक्स इनटू द रूम. अंडरलाइनिंग द स्लिम बिच. आई रिमेंबर इट क्वाइट विविडली. ही केम एंड ही वाज वेयरिंग, ही वाज प्लेइंग फॉर सासेक्स दोस डेज, सो वाज वेयरिंग दोस सासेक्स स्वेटर एंड ही जस्ट कम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, सो इट वाज मच एक्सेंट यू नो उस वक्त एंड मच जोक्स इन इंग्लिश एंड हा हा एंड हा. So it was very difficult to follow what he was saying most of the time. इनको तो याद है कि आप ससेक्स का क्रिकेटिंग स्वेटर वगैरह पहन के आए थे. क्या आपको भी याद है कि शर्मिला जी ने क्या पहना हुआ था? ये एक हरी साड़ी थी. ये क्रैश कोर्स बहुत 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 जबरदस्त रहा, बड़ा इफेक्टिव. अच्छा याद है, पक्का याद है, वाकई हरी साड़ी थी शर्मिला जी. Well, must be. I mean, like, how can I disagree him in with him in public? The beautiful wife going along with one of the. Sir, आप दोनों को कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं. उस लास्ट तस्वीर में जो मतलब बहुत बाकायदगी से शर्मिला जी आदाब कर रही हैं, दैट मस्ट हैव आल्सो बीन आफ्टर सम काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स आई थिंक. नॉट वेरी लॉन्ग. नॉट वेरी लॉन्ग. शी गॉट इट क्विक. यस, शी इज अ गुड एक्ट्रेस. ओ यस, एंड अ वेरी अकम्प्लिश्ड वन. और इस बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में हम बातें करते हैं शर्मिला जी से भी, मंसूर साहब से. तब तक मैं भी ब्रेक के लिए एक ऐसा बहुत मुहज्जब आदाब कर लूँ, ब्रेक लेता हूँ. बातें हो रही हैं
शर्मिला जी से भी और मंसूर साहब से भी। शर्मिला जी ने बहुत ही मतलब एहतराम का सबूत दिया, बड़ी मोहब्बत से जो है अपनी कुर्सी नवाब साहब को दे दी। और अब जो है मैं चाहता हूँ कि द फेवर इज़ अ लिटिल रिटर्न, तो मैं मंसूर साहब को लेके आता हूँ, उनको दो मिनट खड़ा रखते हैं। आइए सर, आइए आइए, तशरीफ लाइए। लेट्स डू अन टू हर एज़ शी डिड अन टू यू। सर 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 प्लीज़, ओ डी लाइक सर। आप लोगों को क्या मिलने मिलाने में जो है बहुत अड़चन आती थी? अरे शर्मिला टैगोर आ गई, अरे नवाब साहब पटौड़ी आ गए। सर एवरीवेयर वॉज इट लाइक अ बिग हिंड्रेंस मिलना मिलाना? What we call dating, was it a big problem? It wasn't that difficult. And we didn't go out publicly too much. We went basically to friends' places. Ah, okay. So not to restaurants so much or to... I think it was impossible. I mean, cricket was so big. And films were so big. You forget when we had gone to see the movie in Metro. Yes, I forgot. And he'd just come back from Australia via Singapore when he got those stitches. And we left and it was impossible. We were mobbed. Completely mobbed. I mean, just that little foyer to the car, my earrings disappeared. It was like terrible. जो आदमी फिल्मों में होता है और जिसको बहुत स्टारडम की का तजुर्बा भी हो जाए, वो तो किसी तरह जो है रोते धोते इसको हैंडल करने की कला जो है जान सीख भी लेता है। तो आप इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? I think it was basically, I mean, she may be a very famous and well-known actress, but she never behaved like one at home to begin with, and also she gave me enough importance at home. Also, you know, I was quite popular as a cricketer. Very. So people gave me a little bit of bhav also. Very, very. So there wasn't too much of, you know, aap bahut badi ho, tum bahut bade ho. Ji, ji, nahi, nahi, nahi. Ghar pe aane ke baad to kya ho gayi hongi, main pehle hi samajh gaya tha jab aapko kursi offer ho gayi thi. Lekin jin dinon mein aap date karte the, tab how were you handling that pressure? Like you said ke kuch to doston ke milte the. There was no pressure. If you wanted to go out in the public, you were mobbed. But you avoided that, if you could. And then you held her hand and ran faster than you did between wickets. Yes, definitely, yes. But I never got run out. But obviously you did. You did. एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ जो उन दिनों की बातें हैं मुझसे तो खैर ज़्यादा जानती हैं, हो सकता है उन दिनों का कोई ख्याल उनको भी आपसे ज़्यादा हो। प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया इरा जी, आप तशरीफ लाएं। और देखते ही मालूम हो जाता है कि शर्मिला जी की बहुत खूबसूरत शक्ल जो है उसका बहुत सा हिस्सा कहाँ से आया है। तो इरा जी, हम बात कर रहे थे मंसूर साहब से भी, शर्मिला जी से भी, कि अभी इन्होंने फैसला किया कि साहब हम शादी करने वाले हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन एट होम? रिएक्शन? देयर नो रिएक्शन एट ऑल। वी वर वेरी हैप्पी दैट शी इज गेटिंग मैरिड टू अ फेमस क्रिकेटर लाइक टाइगर. And not only a famous cricketer, because he's a really very nice person. That was the main thing. When we were all very happy. Every chance. Everybody's gone through a heavy crash course and got very well prepared. मैं किसी और को बुलाता हूँ, उनसे बात करते हैं। Please आइए। शुक्रिया, तशरीफ लाएं। और ये जो गालों में गड्ढे जो है ना, मेरे ख्याल है कुछ खानदानों में ऐसे चलते हैं। एक ही साइड में है। हाँ, नहीं नहीं, the elder one had more ना, वहाँ से शुरू हुआ था। जब आप, खैर उम्र में थोड़ा फर्क रहा होगा, लेकिन जब आपको ऐसा लगा कि हमारी दीदी जो है नवाब साहब से शादी करने वाली हैं, या तो फिर आपको तो उन दिनों की कुछ यादें आपको भी हैं? But it was very exciting, and there was this big wedding, and you know, like my sister was all dressed up, so I was watching her dressing, and you know, all that. And my brother-in-law was a famous cricketer, like very everybody famous, said. Yeah. It was like fun a wedding event, in the family. Yeah. Fun event. Yeah. At your coming, whenever you like. Tiger wrote a book called Tiger's Tale, T-A-L-E. And Chinki used to be known as Tiger's T-A-I-L. ये शर्मिला जी जब बहुत छोटी थी, as a child, what kind of a child was she? Like, was she apart from being pretty and with big dimples? No, she was a very bright child, and from her early ages she used to love dancing. Oh really? Yeah. और जब रे साहब ने आके कहा कि आपकी बेटी जो है उनको मैं अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ, तो you and Tagore साहब himself, what was your reaction? Nothing, because she was so capable of acting. And रे साहब ने आपको कब देखा था?
I was 13 and he was looking for, he was casting for World of Apu, and he wanted a wife for Apu, a child bride. Although I had to leave school because Miss Das, the principal of my Calcutta school, felt those days that it would be a bad influence on other क्या क्या बोला कहने को. I think we'll just give them a little touch about what happens behind the scenes. वो पर्दे के पीछे की कहानियां जो है अम्मा के बारे में. शर्मिला जी से मैं कुछ कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूँ. प्लीज तशरीफ लाइए. हाय, हु डू आई हग फर्स्ट? इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी. इन बेटर ना, अदरवाइज. आइए 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 आइए, प्लीज आइए. क्या दोनों बैठे हैं? नहीं नहीं नहीं, बैठेंगी तो शर्मिला जी. आप तो बाकायदगी से खड़े रहेंगे जी. आप एजीसी कम 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 कम. आप लोग जो हैं अब तो खैर बहुत देखते होंगे, क्योंकि टेलीविज़न पे मेरे ख्याल है कोई दिन खाली नहीं जाता जब शर्मिला जी कोई ना कोई फिल्म नहीं आती हो. लेकिन क्या आपने इनकी वो फिल्में भी देखी हैं जिनका जिक्र अभी ये कर रही थी, रे साहब की फिल्में? एक तो थोड़ी देखी है, देवी जो है. मुश्किल से मतलब यानी मम्मी ने कहा चलो बैठ के खा दे, देखो अच्छी फिल्म है ये. नहीं नहीं, हां एक्चुअली दैट हैपेंड. मम्मा सेड यू मस्ट सिट डाउन, थोड़ी ये फिल्म देखनी चाहिए आपको, क्योंकि ये आजकल आते नहीं है, टेलीविजन पे दिखाते नहीं है इतना. तो बट वी सीन पे जो है, मतलब वी सॉ अ बिट ऑफ देवी एज सोहा सेड जी, पर दूसरे मौका ही नहीं मिला देखने को. और कोई ऐसी बहुत ज्यादा मर जाने लायक ख्वाहिश भी नहीं हुई कि नहीं यार कुछ भी हो जाए वो फिल्म में तो देखनी है, चाहे इधर दुनिया उधर हो जाए. इतने सारे हैं देखने के लिए, मौका चूज नहीं कर पाए. राधा वॉच आमिर खान, राधा वॉच सैफ अली खान. नहीं, ऐश्वर्या राय, नॉट दैट बैड. तो जो जो फिल्में आपने इनकी देखी हैं, हिंदी की ज्यादा होंगी, उसमें से आपको कौन सी बहुत ज्यादा पसंद? माय फेवरेट इज आराधना. मुझे आराधना सबसे पसंद. उसमें तो खूब सारे रोई थी मालूम है. फिर भी मुझे चुपके चुपके, आई थिंक वेरी एंटरटेनिंग, लॉट ऑफ फन, और रोना नहीं आता है. और एक और बात थी जो मैं कह ही दूं, चाहे शर्मिला जी मुझे पीटें, चुपके चुपके में जरा बूफा ऑफ हम ही है ना, सही बात है. यस यस, बी हाय मंसूर साहब ऐसे बेटा. बट दैट सॉन्ग फ्रॉम आराधना माइज टू सिंग फॉर अस ना जी, व्हिच वन? नॉट हां, चंदा है सूरज है. सो आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज वेरी यंग, व्हेन आई शॉट दैट. तो वो बहुत जब आप लोग स्कूल में थे जी, व्हेन दे वेंट टू स्कूल बोथ ऑफ देम, एंड यू नो वे द पेरेंट्स आर इंटरव्यूड एंड देन द चिल्ड्रन आर आस्क्ड व्हाट इज योर मदर्स नेम एंड व्हाट इज योर फादर्स नेम, एंड सो दे आस्क्ड एंड दे सेड व्हाट इज योर मदर्स नेम, दे सेड अम्मा. व्हाट इज योर फादर्स नेम, दे सेड अब्बा. यू नो व्हाई? बिकॉज व्हेन सैफ वाज बॉर्न आई वाज वर्किंग non-stop. I was working two shifts a day, and there were some times that I didn't see him 3-4 days in a row. But by the time they arrived, I wasn't working so much. So actually, there was no filmy atmosphere at home. And they grew up, I mean, they haven't really seen, I mean, they're trying very valiantly to say that, you know. But there hasn't been any film like, yeah. Lekin aapki itni filmein aur mashallah kari, bahut side of, I think, I'm saying that that side, that filmy side, we haven't seen. I haven't seen her getting up, I mean, and going to work. At 5 in the morning. At 5 in the morning, or, you know, I've seen her, we get up together in our kaftans, have lekin coffee together. But ye toh aapne dekha hoga, jab aap apni amma ke saath bahar jayen, toh ek sansani si phail jati hai, kare bhai Sharmila Tagore. Chote the, we've gone to, I have very good memories of one shooting in Mussoorie with Shabana Azmi and Victor Banerjee. And really wonderful memories, sleeping, waking up. Dusri Dulhan Shah film ka naam tha, ji. And when there's one scene that I remember clearly, ki wo makeup utar rahi thi, and we had taken a nap. And we just got up, and I just got up, and I saw all this, you know, sobbing, ro-ro ke halat. I said, what happened? He said, no, no, it's okay, it's glycerin.
The first time I realized ki nakli rona hota hai movie mein. It was like, okay, she's not, you know, nothing wrong. But uske baad, I think Amma was doing fewer movies. So but we saw her more at home and... That was with Saif. Once I had gone... you know, I used to come back and take off my false eyelashes sometimes. So I came back once and I would see Saif trying to pull at his eyelashes. I said, what are you doing? I'm trying to take my eyelashes off. I said, for God's sake, don't do that. So I think they got used to the fakeness of it quite quickly. Because the story of Sharmila Ji's family is going on, we first see some pictures and then move on. मंसूर साहब जो आप काफी क्रैश कोर्स करके आए आपकी फिल्मों का ये जब आपकी फिल्में देखते थे तो अपार्ट फ्रॉम व्हाट ही वेरी वेरी करेक्टली डिस्क्रिप्टिवली कॉल्ड द बीहाइव और कौन सी चीजें ये लगता था इनको कि ये आपको नहीं करना चाहिए या ये बहुत अच्छा किया मतलब उनकी फेवरेट फिल्म्स में से कौन सी है वेल आई रिमेंबर टाइगर्स मदर एंड आई वेंट टू सी अ मूवी मौसम एंड अम्मा लाइक्ड इट वेरी मच एंड टाइगर व्हाट डू यू लाइक Which film? It's very difficult. You can make questions. It like a plural also. So many of I've enjoyed them all. The ones I've seen. Great you film. You liked Avishkar, I think. Yeah, I think Avishkar. Mami is right. I liked Avishkar the best. The best? Yeah. The best of some very good films. That she's done. And some pretty awful ones also. At home, I'm afraid I'm a wife. I'm a mother. With a professional person is different. And they liked having a working mother. You know, they were quite proud of having a working mother. Let me hear somebody who says something similar. Yeah. Arab Amma, this is Saif. I'm calling from Ladakh, where up a mountain with a little less oxygen. But I wish I could have been with you on this day. But I can't. And fortunately, someone's called up to enable me to leave a message for you. So I love you very much and very proud of you always. And I look forward to seeing you soon in Delhi. That probably sounds very formal to most people. Anyway, I'll see you soon, Ma. Khuda hafiz. Can I say something? Please. Saif called the other day. He was feeling very homesick. And we had some few people for dinner. So... I said, you know, some people have just been to Ladakh. In fact, they're having dinner with us. And what a lovely place. And you're so like... He said, they were not running up and down the mountain with a machine gun in their hand. So it was like on speaker. So it came on and there was this deathly silence around the table. Who are you talking to, for God's sake? I said, no, it's my son and he's shooting a film. And that also, he's running up and down with J.P. Datta. Baat karte hain Sharmila ji se aur is break ke baad. शर्मिला जी से और शर्मिला जी कई रोल मतलब जिंदगी में कई रोल इतनी आसानी से और इतनी खूबी से कर जाती हैं कि हम भूल जाते हैं कि आप अलावा एक बहुत कामयाब बीवी होने के और माँ होने के और होम मेकर होने के एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी हैं तो मैं वो भूल गया था मैं उस चैप्टर को फिर ज़रा जल्दी जल्दी दोहरा दूँ वो चैप्टर जहाँ आपकी बंगाली फिल्मों का चैप्टर था और पहली बार जब आपकी फिल्म रिलीज हुई और रे साहब तो वॉज लाइक अ प्रिसाइडिंग डीटी इन बंगाल तो लोगों ने देखी और लोग आपको पहचानने लगे सो व्हाट वाज द फीलिंग दैट व्हेन पीपल यूज्ड टू से अरे अरे वो जा रही है वो अपूर संसार की आई मीन एवरीबॉडी फेल इन लव विद अपूर्णा ओवरनाइट अपूर्णा बिकेम द हार्ट थ्रब ऑफ एवरी यंग पर्सन अपूर्णा वॉज द आइडियल वाइफ आइडियल लव So to that extent, there was a tremendous appreciation for. नहीं लेकिन अपूर्णा उर्फ शर्मिला को कैसा लगता था?
when she used to get recognized and more. I wasn't allowed to enjoy that very much because I worked and then I went back to my studies. Somebody who has some nice things to say about you. Cheer. Hello, Sharmila. Oh. The first time I saw you, I was rather surprised because you appear to be too young for the role, at least for the moment. And you remember one thing, one day you came in a skirt or something to the studio and Satyajit Rai told you not to come to the studio ever again in that skirt. You should always come in a sari so that you look a little older. These are all matters of past. Well, we have an opportunity to work together in very near future in Gautam Ghosh's film. I hope that will be as enjoyable as it has always been working with you. सुनता जिसकी आप बातें कर रहे थे सौमित्र साहब से भी जिनकी बातें जोड़ी हुई हैं उसकी एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं Somebody else who has something very, very nice to say about your mother. And she's almost as good looking as your mother. Look. Do you remember the time when you and I were very young? We were both young sort of stars on the rise or actresses on the rise. And there was, I think, a party held at the Grand, if I remember correctly, where it was a felicitation for Suchitra Sen because she won the Best Actress Award at Moscow for her performance in Shat Pa Ke Bandha, I think. And you and I went and helped ourselves at the buffet. And I think it was from you that I first learned that you broke bread rather than cut it. and we watched as Suchitra Sen almost enacted that scene in Shat Pa Ke Bandha where she sort of tears Shomitra's kurta down the middle. And both of us were sort of amused, shocked, and very sort of impressed by this ability to do something like that in public. I still remember that incident. And I heard from Ritu Porno Ghosh that you're sometimes planning or toying with the idea of becoming a director, a film director. And it is my earnest wish that you actually do so. Look forward to a film from you. जहाँ बात चली है शर्मिला जी की फिल्म करियर की तो जाहिर है कि इनकम्प्लीट रह जाएगी गैर मुकम्मल रह जाएगी अगर हम इनकी हिंदी फिल्मों के साथ जो बहुत लंबी इनिंग रही है उसका जिक्र करें उस पर भी हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद लेते हैं शर्मिला जी से बातें हो रही थी बंगाली फिल्में जो बहुत अच्छी बंगाली फिल्में जो इनके नाम दर्ज हैं कई बहुत ही अच्छी हिंदी फिल्में भी शर्मिला जी के नाम दर्ज हैं और उस चैप्टर को हम खोलते हैं पहले मैं दावत देता हूं एक साहब से जो इनकी हिंदी फिल्मों के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं मैं उन्हीं को बुला के उनसे बातें करता हूँ आइए तशरीफ लाइए सबसे पहले आपने शर्मिला जी को कास्ट किया था कश्मीर की कली में जी तो आप कश्मीर से होते हुए मतलब कली ढूंढने बंगाल कैसे पहुंच गए ऐसा था कि कश्मीर में मैंने कोई कली नहीं ढूंढी जी मैंने जब कहानी पढ़ी तो मुझे अच्छी लगी फिर मैंने सोचा कि इसमें किसको कास्ट करूं
शमी को मैंने बोला था यार मैं एक पिक्चर बनाऊंगा जिसमें तुम रहोगे, तो उसने पूछा क्या नाम क्या रखा है। मैंने कहा कि उसका नाम है कश्मीर की कली। तो इनकी एक तस्वीर निकली थी, वो प्रसाद करके एक मैगज़ीन निकलता था, उसमें एक फ़ोटो निकली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की शायद अच्छी लगेगी, उनकी कोई पिक्चर मैंने देखी नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर पूछा इनसे हिंदी बोल लेती हैं आप? बोले कि हिंदी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि इनके डायलॉग्स लंबे नहीं रखूँगा, छोटे छोटे रखूँगा। अब जिस तरह से एक सीन था जिसमें शमी उनको एक अंगूठी पहनाता है कि आज के बाद तुम मेरी होगी, कोई आए तो उसको अंगूठी दिखा दे रहा। बोले अंगूठी क्यों दिखाऊंगी, मैं अंगूठा नहीं दिखा दूंगी। इस तरह से मतलब जी, जी, जी। इस तरह के सीन्स करते थे पहले ताकि इनके डायलॉग ज़्यादा ना हो। उसके बाद धीरे 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 इनकी आदत हो गई, अच्छी तरह से ये बोलने लगी एंड वी स्टार्टेड वर्किंग। जी जी जी। जब शक्तिदा पहली बार आपके पास आए तो आपको क्या लगा कि भाई पता नहीं क्या बनाने वाले और किसके साथ काम करने वाले हैं आप? कौन, शमी कपूर? Nein, nein, it was not like, it was actually when you work in a regional film, going to the national scene is obviously what everybody looks forward to because you want to reach out to a larger viewership and this in that way was a huge opportunity. Shakti, jab aapne Sharmila ji ko liya aur aapne unke sath Kashmir ki kali mein kaam kiya to it was a regular, jaise nayi ladki aati hai ek frothy typical heroine type image mein ke char gaane gaane hain aur hero jab पिट रहा है तो यूं करना है और हो करना है, दैट कैन यू नो वेयर लवली क्लोथ, बट देन आपने वो ग्रोथ इनमें कब महसूस की जिसमें आपने इस किस्म की आगे की जो फिल्में बनाई? तो क्या है कि हमारे यहाँ जब भी कोई हीरो या हीरोइन काम करता है तो हम उसको एक फैमिली मेम्बर जैसा बना देते हैं। तो एनीवे वी आर वेरी हैप्पी। अभी मैंने उनको कहा कि तुम इवनिंग इन पेरिस में काम करोगी, तुम अकेली जाओगी, बोले ठीक है। तो वो इनकी जो हेयर ड्रेसर थी उनको साथ लिया और हम लोग 72 डेज वी आर आउटसाइड इंडिया। जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया खासतौर से इवनिंग पैरिस में, मतलब ये था कि एक ज़बरदस्त किस्म की जिसको हम पॉपुलर जबान में कहते थे उम्फ इमेज जो है वो शर्मिला जी की थी। फिर आपने आराधना बनाई जिसमें एक बिल्कुल ही अलग पहलू आपने पेश किया। तो आपको कब महसूस होने लगा कि दिस एक्ट्रेस इज नाउ टर्निंग इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मर? से ही दो तीन पिक्चरें करने के बाद से ही मैं समझ गया था कि इसके अंदर बहुत टैलेंट है और ये काम कर सकती है, मगर थोड़ी ज़िद्दी थी, थोड़ी ज़िद्दी थी, थोड़ा झगड़ा भी करती थी। खास अभी आपको झगड़े की बात बताऊं जी। इवनिंग पैरिस की बहुत सारी बातें बताती हैं जी, तो बताती हैं, बता भी देंगे, सच अ डायरेक्ट पर्सन शक्ति जी। उसे क्या है, उसमें एक गाना था आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सीखता, तो उसमें क्या था, इनको स्विमिंग करना था। इन्होंने बोला कि मैं टू पीस पहनूंगी। मैंने कहा कि टू पीस पहनोगी तो फिर वहाँ पे बॉम्बे में सेंसर नहीं होगी पिक्चर? हाँ। नहीं, मैं तो नहीं करूँ। तो मैंने कहा कि कर लो भाई, प्लीज कर लो। तो बोला अच्छा मंगा दीजिए। बड़े गुस्से से उन्होंने बोला मंगा दीजिए, तो मैंने इमीडिएटली मंगा दिया उसको और फिर उन्होंने किया। और देखने के बाद, पिक्चर देखने के बाद उनको बोला नहीं नहीं ठीक है, अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। इस तरह से आराधना में भी यही हुआ कि मैं बाल सफ़ेद नहीं करूँगी। अरे क्यों नहीं करोगी भाई, देखो बाल क्या, अब बताइए मेरी उम्र इस वक्त क्या होगी जब मैं जेल से वापस आती हूँ? मैंने कहा होगी यही कोई 38 या 40 के बराबर होगी। मेरी मदर तो इससे बहुत बड़ी हैं, उनका तो एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी मदर कभी जेल नहीं गई, उनका लड़का कभी, उसका लड़का कभी खूनी नहीं रहा है, तो वो जो तकलीफें तुमको मिली हैं और जिस लड़के को तुम प्यार करती थी वही फिर तुम्हारा लड़का हो के आ रहा है, शक्ल तो एक ही है ना, तो इसलिए जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक कैसे होगा? तो नहीं, मैं तो नहीं करती। Do you remember the first day when Aradhana was finally released in the film? I am shown as an old woman. There's a scene with Madan Puri. Madan Puri ji comes to the cell and I'm sitting there with this grey hair. And moment the audience sees that, there is a general laughter. At that point, Shaktiji used to smoke like this, you know, he was smoking like that. And he left. Matlab nikal gaye theater se. Aur hum log baithe rahe. Aur phir scene was on. And at the end of that scene, which was about a minute long scene,
everybody could hear, you know, there was that, people had started crying. So somebody ran after Shaktiji. Shaktiji, please come back. The picture is a hit. It's all right. People are crying. People are crying. I hope they didn't find Shaktiji crying. एक आपकी कलीग हैं जो उन दिनों की कलीग हैं आपके बारे में कुछ कह रही हैं रिंकू दी आदाब एज यू कैन सी आई एम शूटिंग दैट्स द रीजन आई कुडंट कम पर्सनली बट आई वुड लाइक टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू से अ बिग थैंक यू टू यू फॉर ऑल द लवली मेमोरीज आई हैव ऑफ आराधना वी हैड अ लवली टाइम डिडंट वी एंड आई ऑल्सो रिमेंबर द प्रीमियर नाइट ऑफ आराधना इन कलकत्ता when we got lost, it was well past midnight after the show, and we were roaming about, means all through the city in your car, remember? And thank God, we found our way eventually, and we landed up at the hotel. My mother was so very worried, everybody in the unit, and we had fun. Anyway, one big thank you once again, and I know your show is going to be a great one. All the best. शक्तिदा ने भी कहा कि बहुत उन्होंने कहा थोड़ी ज़िद्दी थी तो एक्ट्रेस जब अच्छी हो टैलेंटेड हो और ज़िद्दी भी हो तो क्रिटिक्स से जो है उनकी कुछ बहुत ज़्यादा मोहब्बत के रिश्ते नहीं होते लेकिन एक अच्छे से क्रिटिक हैं जिनसे इनका रिश्ता जो है अफेक्शन का तो नहीं रिस्पेक्ट का तो ज़रूर होगा मैं उनको बुलाता हूँ प्लीज़ तशरीफ लाएं So long. Very sweet of him to come because every time he calls me, I'm never able to turn up. And I'm so glad you could come. आप तो शिवक. हाँ. जब आप इनके काम के बारे में लिखते थे, तो इनका क्या रिएक्शन आता था? I had reviewed a film called Avishkar, and I slammed it actually. So after a few days, somebody called up and said, "Sharmila would like to meet me," you know. So I went to see her at Mehboob Studio. The first 15 minutes, she kept, you know, criticizing me, attacking me. How did you understand the film? How could you slam it like that? You know, I kept on arguing with her, and we had a long argument. You know, at the end of it, of course, she was very nice to me, and then she said I should meet you again. You called me up, and I called up, and I met her sometime later. She said, "What made you think the film was not made properly? What was it lacking?" I explained to her. At the end of it, she did tell me that she liked the review. Sharmila ji, आप चूंकि एक लंबा innings रहा है बहुत कामयाब, तो आप generally criticism को या critics को कैसे react करती थी? It's better to ignore it, you know, better not to go too deep. It is one person's point of view. If I can learn something from it, most certainly I will. But let's not delve too much into it. Let's not get too depressed. और film में काम करने वाले लोगों की खास तौर से कलाकारों की ज़िंदगी के मुतालिक और प्रेस के मुतालिक जो बहुत अहम बातें की मैं समझता हूँ हम सबको इस पर खूब गौर करना चाहिए खास तौर से वो लोग जो फिल्म सितारों को जो हैं बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे आसमान पर बसने वाले लोग हों उनसे मोहब्बत भी करते हैं उनसे कभी नहीं भी करते बहरहाल ये बातें होती रहेंगी शर्मिला जी से मुलाकात आगे बढ़ेगी इस ब्रेक के बाद और बहुत वसी एक बहुत फैला हुआ दायरा रहा है और कई तरह की फिल्में इनके नाम से जुड़ी हुई हैं कुछ जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से थीं और कुछ जो हिंदी में थीं लेकिन मेन स्ट्रीम से नहीं थीं और फिर बहुत अच्छी थी कामयाब भी थी और इनका काम भी जैसा कि कई फिल्मों में होता था बड़ा सराहा गया ऐसे एक साहब से मुलाकात करते हैं आइए तशरीफ लाइए रमेश शर्मा साहब टेलीविज़न पे बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम के लिए जाने जाते ही हैं एक बहुत अच्छी फिल्म भी बनाई थी न्यू दिल्ली टाइम्स बहुत लोगों ने देखी और बहुत पसंद भी की गई रमेश साहब जब आपने उस रोल के लिए एक तो शशि कपूर साहब को लिया था जो
और फिर शर्मिला जी को भी लिया था, तो ये एक अनयूजुअल किस्म की कास्टिंग नहीं थी उस वक्त? वेल, इट वाज एन अनयूजुअल फिल्म. इट वाज अ फिल्म दैट वाज सपोजिटली यू नो फ्रॉम पैरेलल सिनेमा, बट आई वांटेड टू मेक इट इनटू अ मेनस्ट्रीम. आई वांटेड टू रीच आउट टू द लार्जेस्ट ऑडियंसेस. इट वाज माय वेरी फर्स्ट फिल्म. आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट, एंड व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट, फॉर्चुनेटली फॉर मी, आई हैड ऑलरेडी इन टच विद पीपल हु appreciated Sharmila ji as a great actress. People like Gulzar, who wrote my script, people like Subroto Mitra, legendary cameraman, who worked with Satyajit Ray and who was also my cameraman. So we had decided right from the beginning, even as my script was being made, that there were two persons only who would be the lead role. The cast, Shashi Kapoor in the lead and Sharmila ji in the, you know, as a female lead. Aapko inke sath kaam karne ka experience, tajurba kaisa raha? Well, I must say that she's such a professional. I mean, that's the first time I began to realize what a professional acting is all about. I mean, there she was talking to us behind the stage. We would talk about a little bit on the scene. And then the moment she'd go on to the set, the scene would be delivered almost what a director wants. Also, you know, from his side, the script was ready. We knew exactly what we were doing. Aapka ek logon ne dekha lekin kam dekha, because aapne wahan zyada waqt spend nahi kiya. Television ke sath ek taluk. और एक साहब आपके साथ ही टेलीविजन के आपके बारे में कुछ कह रहे हैं. हाय रिंकू, आई कैन नेवर फॉरगेट द फर्स्ट टाइम यू डिड एन इंटरव्यू. यू वर सिटिंग देयर, आई वोंट से हु द गेस्ट वाज, बट आई थिंक इट वाज शत्रुघ्न सिन्हा, एंड यू हैड दिस ईयरपीस इन योर ईयर एंड यू वर अ लिटिल नर्वस एंड अ लिटिल शाय. नो वन न्यू इट, बट आई कुड टेल बिकॉज़ यू केप्ट सेइंग टू मी, से समथिंग टू मी करण, से समथिंग टू मी करण. एंड इवेंचुअली आई रिमेंबर सेइंग, रिंकू, इफ आई सेड यू हैड अ ब्यूटीफुल बॉडी, would you hold it against me? And you giggled and you said, stupid boy. And Shatru sitting beside you thought you meant him. Do you remember? ये आपकी फैन फॉलोइंग जहाँ क्रिकेट की दुनिया से लेके एक और किस्म का बहुत ही क्या कहना चाहिए, विचित्र विचित्र खेल खेलने वाले लोगों में भी है. उस खेल के एक बहुत माहिर खिलाड़ी आपकी तारीफ में कुछ कह रहे हैं. बचपन से जवानी तक का सफ़र हमने आपकी फिल्मों को देख देख कर तय किया है, चाहे वो आराधना हो और आराधना का रूप तेरा मस्ताना वाला गीत, और चाहे वो इवनिंग इन पेरिस की उम्फ गर्ल शर्मिला टैगोर हो, और चाहे वो सत्यकाम की पीड़ित नारी. जीवन के सभी विधाओं को, सभी रूपों को आपने अभिनय के रंग से रंगा है, और चाहे वो अमर प्रेम की संतप्त प्रेमिका जो रहना बीती जाए और श्याम न आए करते हुए विरह में प्यागल पागल और आकुल और व्याकुल है. मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा का बहुत नुकसान है कि आप ऐसी अदाकारा, आप ऐसी कलाकार बहुत दिनों से पर्दे से गायब हैं. अमर सिंह जी ने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि पर्दे का बहुत बड़ा नुकसान है. हम ये खुशखबरी इस मैसेज के जरिए दे दें कि बहुत ज़्यादा दिन तक ये नुकसान जो है हमको झेलना नहीं पड़ेगा. एक और साहब जिनकी फिल्म शर्मिला जी अभी अभी मेरा ख्याल मुकम्मल करके आई हैं, उनकी बात सुनते हैं. गुदी कैमन अच्छो, गेस व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. ओके, योर स्टोरी टेलिंग नाउ, आई नो यू व्हाट. शी सिलेक्टेड अ होल रेंज ऑफ कथा स्टोरीज एंड वांटेड मी टू कोलैबोरेट ऑन द स्क्रीन प्ले. सो वी मीट इन दिल्ली एंड आई टेल हर, ओके यू टेल मी द स्टोरीज व्हिच यू लाइक. देन शी स्टार्ट्स टेलिंग मी स्टोरीज एंड one must hear Rinkudi telling stories because you just can't figure out anything. And she'll just start like, then he came, and then it, you know, she'll start with a pronoun and verb, and you know, in Bengali language the verb or the pronoun is not gender indicative, so you can't even make out whether it's a he or a she and who has come. It's the whole story is based on pronouns. তারপরে এলো, তারপরে বাবা মার কাছে গেলো, তারপরে তো ও বিদেশ থেকে আসবে. দিস কাইন্ড অফ আ ফানি থিং এন্ড 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 অফ ইট ইউ হ্যাভ টু কাম অন, কাম অন, ইউ টেল মি দ্য স্টোরি, গিভ মি দ্য কনটেক্সট. ওয়েট টিল আই সি হিম, আই উইল কিল হিম. হু ইজ দিস গাই হু হ্যাজ কাম এন্ড হু ইজ দিস গাই, হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড টু হিম. ওয়েট টিল আই সি ইউ, আই উইল ফিক্স ইউ. এক অর দোস্ত হ্যায় শর্মিলা জি কি, जो इनकी बड़ी एडमायरर भी हैं. शर्मिला जी भी उनको बहुत पसंद करती हैं. एक उनके एक किसी अलग रूप के बारे में बात करना चाहती हैं. प्लीज तशरीफ लाएं. सो नाइस, थैंक यू सो मच.
so much for coming. Thank you so much for asking me. It's wonderful. I'm fine, thank you. So now, between two charming ladies, who's going to... I have a lot to say about her, so I better sit. Ji, please. Ji, ji, please, please. Ji, farmaiye. आपकी और शर्मिला जी की मुलाकात कब की है, कैसी है? ये कलकत्ते के टाइम की बात है, कोई 30 साल हो गए होंगे. एक दूसरे को मिलते रहते थे. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू एडमायर द वे शी ड्रेस सो एलिगेंटली. बट अदर देन दैट, आई रिसेंटली मेट हर मोर क्लोजली 2 years बैक. एंड आई सॉ अनदर साइड ऑफ रिंकू. आई हैड गॉन टू द पटौड़ी हाउस. आई वॉज रिसर्चिंग अ बुक कॉल्ड कॉस्ट्यूम्स एंड टेक्सटाइल्स ऑफ रॉयल इंडिया. एंड मैंने पूरी फैमिली की पहले तो कपड़े हमने रिसर्च किए, निकाले. वी स्पेंड सम नाइस आफ्टरनून्स टुगेदर. एंड देन आई सॉ अनदर एस्पेक्ट ऑफ हर, हाउ शी हैड अडैप्टेड हरसेल्फ टू अ टोटली डिफरेंट क्लोथिंग कल्चर, हाउ शी अंडरस्टूड बोथ ऑफ देम. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल इनसाइड ऑफ हर एज अ पर्सन हु यू नो हंग बॉन्ड बिटवीन दीज टू स्टूल्स वेरी वेरी वेल, बोथ इन फैशन एज वेल एज इन द कल्चरल सेंस. आपकी बात से जुड़ी हुई और इस वाक्य से जुड़ी हुई कि तस्वीरें देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं. ये जब ये जाहिर है कि जिस किस्म की कॉस्ट्यूम्स हैं, एक तो उसकी तैयारी में ही खून का पसीना हो गया होगा, और फिर उसको पहनना, उसके लिए तैयार होना, फिर उसके लिए पिक्चर करना. शर्मिला जी को तो आपने जैसे कैसे राज़ी किया होगा, अभी आप बताएंगी. लेकिन मैं मंसूर साहब को भी बात आप कर दूँगी, साहब आप भी इस मशक्क़त में जो है शामिल हुए. और वो भी नहीं तो सतीनों बच्चे और जी बच्चे तो खैर इन चीज़ों के बारे में 31 दिसंबर की सुबह 6 बजे हम पटौड़ी पहुँचे, तो वो समय किसी को अच्छा नहीं लगता है उठना. पर अदर देन दैट, ये इनका जो लियाकत है, जो इनका कल्चर है, दे फेल वेरी इजीली इनटू द क्लोथ्स. एंड हाउ इज इट वर्किंग विद शर्मिला जी इन दिस रिगार्ड? लवली. वी कॉट अप विद यू. नाउ आई हैव ग्रोन अप, नॉट लाइक शक्ति जी सेज, यू नो, वन डजंट रिमेंबर, यू नो, नाउ आई एम अ ग्रैंडमदर एंड ऑल दैट, सो आई एम वेरी वेल बिहेव्ड दीस डेज. नॉट वेरी, इट वाज दैट शी जस्ट फेल इनटू द रोल सो ब्रीफली. एंड एज़ फॉर हिम, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी. आई मीन थोड़ी सी. I thought you were a friend of mine. मैं इनको कहूँगा आप पगड़ी पहनिए, वो कहेंगे ये क्या, ये क्यों मुझे इस वक्त क्यों ऐसे आप तंग कर रहे हैं. इसी खुशी में जो है हम एक एक स्वीट नोट पे एंड करते हैं. प्लीज ले आए. वाकई कश्मीर में खिली हुई कली पेरिस की शामों से होती हुई हिंदी सिनेमा के मौसम में खिलकर इतना खूबसूरत फूल हुई कि उसका हुस्न, उसकी खुशबू अब तक हमारे दिलो दिमाग पर ताज़ा है और मुद्दतों रहेगी. शर्मिला जी को देखकर और ऐसे लोगों को देखकर वाकई जी कहता है जीना इसी का नाम. अगले हफ्ते फिर अपनी मुलाकात, तब तक के लिए आदाब.